वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जैसे कि हमने 24 क्वेश्चंस कर ही चुके थे, 24 क्वेश्चन अपने रिवीजन के, ये मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि उसका जो मीनिंग था वो नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ। तो आज हमें नेक्स्ट पेज ही कवर करना है, जिसको हम बोलते हैं पेज नंबर 3, और ये है हमारा रिविज़न पार्ट 3। आइए ज़रा ध्यान देते हैं। तो यहाँ तक हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी लगभग सभी कवर कर ही लिए थे, और साथ में सिविक्स करना भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की तरह मूव करते हैं, जरा देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। आइए जरा इसका आंसर देखते हैं, क्या हमें आंसर बताता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ही क्या होता है? अच्छा बच्चे, जरा इसको समझने से पहले एक मेरी बात सुन लें। इस वीडियो में छोटे छोटे आंसर्स लिखाए गए हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। आइए अपना शुरू करता है। एक स्टेट जो एक राज्य जो होता है वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड होता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, बस वही हिस्सों को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्योंकि अब देखो, अगर बात बोला जाए कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर्स डिवाइड कर दी कि अलग अलग क्लासेस, जो स्कूल जो बना हुआ है उसमें अलग अलग क्लासेस हैं, तो ऐसे ही हमारी जो स्टेट है उसमें भी अलग अलग एरियाज होते हैं, उन्हीं एरियाज को यहाँ पर नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अ पर्टिकुलर एरिया वेयर ऑल द वोटर्स आर लिविंग एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वोट देने का राइट होता है, वो इसी एरिया से ही वो वोट दिए जाते हैं जिस एरिया में वो रहते हैं। सपोज करिए हमारे उत्तर प्रदेश है, और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत हमारे 70s के आसपास जिले हैं, 75 जिले हैं, तो आगरा भी उसका एक ज़िला रहा होगा, मथुरा भी एक ज़िला रहा होगा, और अगर मैं बात करूँ गोरखपुर, हापुर, मेरठ, ये सारे ज़िले रहते हैं। तो सपोज़ करिए आगरा में कोई इंसान रह रहा है, हम आगरा में रह रहे हैं, तो हम वोट किसके लिए करेंगे? आगरा के लिए करेंगे। हम अपना नेता कहाँ से चुनेंगे? आगरा से चुनेंगे। वोट आगरा के लिए करेंगे तो नेता भी आगरा का माना जाएगा। तो वो आगरा क्या हुआ? उस स्टेट का एक हिस्सा है, एक एरिया है, और उसी हिस्से को यहाँ पर नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बच्चे ये चीज़ में बताई गई है। तो यानी कि एक राज्य, एक स्टेट हमारा छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहता है, उन्हीं हिस्सों को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला गया है, और उन छोटे छोटे हिस्सों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंसान रहते हैं वो उस एरिया से ही वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डिड सम MLAs बिकम मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि MLAs जो होते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, मंत्री कैसे बन जाते हैं? मंत्री बनने से पहले जो है वो इंसान MLA होता है या MP होता है। अब MLAs की बात की जा रही है, वो मंत्री कैसे बनते हैं, आइए जरा समझते हैं। इसमें जो होता है बेटा, ये है द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलर पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर्स। जो MLAs होते हैं, रूलिंग पार्टी कहने का मतलब जिसका राज चल रहा है, हमारे देश में अभी BJP का राज चल रहा है, BJP की गवर्नमेंट है, और ऐसे ही हमारे राज्य, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, उसमें भी BJP की गवर्नमेंट है, तो क्या वो BJP के लीडर्स सब मिलकर एक मंत्री को नहीं चुनेंगे, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, सभी मंत्रियों में मुख्य माने जाने वाला मंत्री, वही हमारा चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री कहलाता है। तो ये सारे MLAs बनकर क्या है, ग्रुप मिला के एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जो MCM बोला जाता है, चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। और फिर अब वो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा कि उन्हीं MLAs में से ही मिनिस्टर्स बनाने शुरू कर देगा, अपने लिए मिनिस्टर्स चुनना शुरू कर देगा। ऐसे तो MLAs हमारे बहुत सारे हैं, बट चॉइस चीफ मिनिस्टर करेगा उन MLAs को मंत्री बनाने के लिए, मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जो है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती है, ठीक, कि वो चीफ मिनिस्टर मिलकर ही अपने सबॉर्डिनेट मंत्रियों को बनाएगा, सबॉर्डिनेट मिनिस्टर्स को बनाएगा, वो MLAs ही होते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन 27 की तरफ मूव करते हैं। रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान की अहम भूमिका रही है हमारे देश में,
दिल्ली सुल्तानात की अगर बात करूं, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रह चुकी हैं ये। डू यू थिंक द वुमेन आर रेडिली एक्सेप्टेड? क्या आप ये सोचते हैं कि वुमेन्स जो है हमारे देश के लिए, वो बिल्कुल उनको अधिकार मिलना चाहिए रूलिंग करने का? आइए जरा समझते हैं आंसर से। अच्छा, रजिया सुल्तान जो थी वो यूनिक इसलिए मानी जाती है बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम रूलर। वो ऐसी पहली महिला थी, जिसने सबसे पहले राज करने के लिए उसे ये मौका मिला। किस दौरान? दिल्ली सल्तनत के दौरान, क्योंकि उस टाइम पर हमारे देश में दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली जगह से ही पूरे देश को कंट्रोल किया जाता था, पूरा देश रेगुलेट किया जाता था, और रजिया सुल्तान ने अपने आप में ही अहम रोल निभाया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, अहम भूमिका निभाई थी अपने आप को रूलर बनाने के लिए, क्योंकि ये तो इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने रूलर बनने के लिए आराम शाह को भी हटाया। ठीक, अब जरा देखते हैं, इसीलिए इनको माना गया है सबसे यूनिक। इनको सबसे पहला ही मौका मिला, इन्होंने एंकरेज किया, करेज दिखाया, बहादुरी दिखाई एक रानी बनने के लिए जो पूरे देश को चलाएगी। तो ये बहादुरी का काम करना ही दिल्ली सल्तनत के लिए है, और उसमें काम किसने किया? रजिया सुल्तान ने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर मूव करते हैं। अब ये बच्चे गिव रीजंस हैं, आपको कारण बताने हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, आइए जरा जानते हैं। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, कहने का मतलब ये हुआ इंसान एनवायरमेंट को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है एनवायरमेंट को। आइए जरा क्यों? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट एंड ही ऑल्सो मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल थिंग्स। ये इसलिए करता है क्योंकि इंसान उसके लिए पूरा कैपेबल है, उसमें पूरी शक्ति है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है उसको। वो इसलिए भी करता है कि भैया अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसके आसपास, नेचुरल सराउंडिंग्स कहने का मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, उन सब को वो अडॉप्ट कर लेता है, उसके हिसाब से फिर वो रहना शुरू करता है। अपने जो उसे ज़रूरत है उन्हीं जैसी सराउंडिंग्स को अपने पास रखता है, और इंसान नए नए तरीके सीखता है उनको इस्तेमाल करने के, कि एनवायरनमेंट में अगर ये चीज़ भी पाई जाती है, वाटर भी पाई जाता है, पानी, जल, उसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमारा ह्यूमन बींग्स ही सीख सकता है। इसीलिए इंसान हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू करता है। अच्छा, एनिमल्स पाए जाते हैं तो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना सीख गया, पालना शुरू कर दिया इंसान ने, नया तरीका ईजाद कर लिया, नया तरीका बना लिया। तो ये भी इंसान के द्वारा ही पॉसिबल है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा पॉसिबल है, और वो इस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को भी वो चेंज कर सकता है जिस तरह का उसे इस्तेमाल उन चीज़ों का करना है। इसीलिए वो उसके हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से ही अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। बिल्कुल सही बात कही गई है ये कि प्लांट और एनिमल, पेड़ पौधे और जानवर दूसरे पर क्यों डिपेंड हैं, आइए जरा जानते हैं। नॉर्मली ये तो साइंस का भी क्वेश्चन हो जाता है कि भाई क्यों डिपेंड है, क्योंकि प्लांट मदद करते हैं, प्लांट भोजन बनते हैं, फूड का काम करते हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल प्लांट्स को खाता है, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स एनिमल्स की मदद करते हैं। आइए जरा जानते हैं एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, इसमें जो शब्द बोला गया है वो ये बोला गया है फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, कहने का मतलब जीने के लिए सस्टेनेबिलिटी। प्लांट एनिमल अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं जीने के लिए। एनिमल कंज्यूम्स प्लांट्स, एनिमल प्लांट का इस्तेमाल करता है, उसको खाता है, एज दे आर ओनली प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, प्लांट ग्रो करने का काम करते हैं, एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। और प्लांट आपको पता है ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं,
हमारी अर्थ पर प्लांट ही ऐसी चीज़ हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन की वजह से ही वो एनिमल्स भी जिंदा हैं। इसीलिए प्लांट एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है। इसमें जो मेन बात बताई गई है वो ये बताया गया है कि प्लांट पर एनिमल डिपेंड है, क्योंकि प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं जी पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये वो वाले एनिमल्स की बात की जा रही है जो हमारे घास को खाते हैं, जो मांस को नहीं खाते, जो मीट को नहीं खाते, वो एनिमल्स की बात नहीं की जा रही। बट हाँ, उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सी पार्ट की तरफ मूव करें बेटा, इसमें क्या बोल रखा है? सी पार्ट हमें ये बताता है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ किसको माना गया है? कोर को, क्रस्ट, मेंटल कोर, लेयर्स ऑफ द अर्थ आपको पता होंगी। तो अर्थ की लेयर्स कौन सी होती हैं? सबसे ऊपरी लेयर जो होती है क्रस्ट होती है, जो पतली मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा मोटी मानी जाने वाली वो मेंटल होती है, और गोलाकार जो होता है वो कोर होता है। तो इसमें ये बोला गया है कि हम सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते, हम कोर तक क्यों नहीं जा सकते। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस ज़मीन के नीचे ट्रैवल कर लेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगेगी। तो बस इसमें यही बात बोली गई है, बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर्स, लाइज बिटवीन 6,000 किलोमीटर द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर कहने का मतलब जो समुद्री जो धरातल है, जो समुद्र का जो नीचे अर्थ का सरफेस है, वहाँ से अगर हम 6,000 किलोमीटर्स तक जाते हैं तो कोर की शुरुआत हो जाती है, और कोर की शुरुआत हो गई समझ लो वो भी एक तरीके से पृथ्वी में बसा आग का ही गोला है। आग का गोला सूरज है जो हमारी अर्थ के बाहर है, और ऐसे ही अर्थ के अंदर भी आग का गोला है जिसको हम कोर बोलते हैं। क्योंकि हम अगर 6,000 किलोमीटर्स तक नीचे जाएंगे तो हमें हाई टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा, तो ये वाली बात इसमें बताई हुई है। एंड वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन एंड फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, और जब ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन है वहीं पर ही इंसान रह सकता है, वहीं पर ही उसकी लाइफ पॉसिबल है। बट अगर हम कोर की बात करें, सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इंसान जी नहीं पाएगा, जल के मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो वैसे भी नहीं जी पाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। डी पार्ट क्या बोला हुआ है? सम रॉक्स हैव शेप ऑफ मशरूम्स। इसमें ये वाली बात बोल रखी है कि कुछ चट्टानों की जो शेप है वो मशरूम की तरह होती है। आइए जरा हम मशरूम की शेप देख लेते हैं कैसी होती है, वो कैसे ये चट्टान जो मशरूम की शेप ले लेती हैं, जरा पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। मैं बेटा इसी रॉक की बात कर रहा था, ये देखो इसकी शेप जो है वो मशरूम सी दिखाई दे रही है, इसको इसीलिए मशरूम नाम बोला गया है। तुमने देखा होगा बारिश में मशरूम सूख जाते हैं, इनकी खेती भी की जाती है मशरूम्स की, मशरूम की सब्जी भी बनती है, एडिबल जो मशरूम्स होते हैं खाने लायक। ऐसे ही इनकी जो रॉक है, ये जो चट्टान है, इसकी भी शेप जो है वो मशरूम की तरह ही देखने की मिल रही है। ये देखो ये ऐसे करके मशरूम सी देखने को मिल रही है, तो इसी को ही मशरूम रॉक बोला गया है। ये रॉक मशरूम की फॉर्म कैसे ले लेती है, आइए जरा जानते हैं। ये चट्टान मशरूम कैसे बन जाती है, कैसे शेप बन जाती है, इसका हम कारण जानते हैं। इसका रीज़न ये दिया हुआ है कि द बेस गेट इरोडेड फ्रॉम ऑल साइड्स लीविंग अ नैरो बेस एज कम्पेयर टू द टॉप। कहने का मतलब ये, जो उस रॉक का बेस जो है वो निचला भाग जो है, निचला पार्ट जो है वो इरोड हो जाता है, वो अपने ही शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है वो, कंपेयर टॉप की बोलें वो शिफ्ट भी हो जाता है, इकट्ठा भी हो जाता है। तो उसका बेस, इसीलिए उसकी शेप जो अगर इकट्ठा हो जाएगा, अनार की फॉर्म में ही बन रहा है मशरूम की फॉर्म में, ऐसे ही मशरूम में क्या है ये होता है कि बेस जो है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर बीच में से फ्लैट फिर ऊपर ऐसे फूल जाता है, तो इसी शेप को मशरूम बोली गई है।
क्योंकि जो बेस जो है वो चट्टान का, वो अपनी अपनी साइड से एक नैरोअर बेस थोड़ता हुआ चला जाता है, छोटा छोटा बेस बना लेता है और वही बेस बन के वो टॉप तक पहुंच जाता है। जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, कोई अगर इसका एग्जांपल ले लो, अगर कहीं पे बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती है, बॉम्ब का एक्सप्लोजन टेस्टिंग की जाती है, तो वो भी मशरूम की तरह ऊपर होता है। तो यानी कि शुरुआत नीचे बेस से, वो क्या कोशिश करेगा, बेस उसको पहले इकट्ठा करना कोशिश करेगा, फिर सीधे जाएगा, फिर फूल की तरह ऊपर खिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर मशरूम में भी चट्टान का देखा गया है। ठीक, मशरूम में बेस जो है, जो भाग जो है, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो अगर मैं बात करूं जहाँ पे बाढ़ वाला एरिया, क्योंकि ऐसे जगह, ऐसे प्लेन, मैदानी भाग जहाँ पर बाढ़ आने के चांस होते हैं, वो वेरी फर्टाइल क्यों होते हैं, वो इतने उपजाऊ क्यों होते हैं, वहाँ पे इतना न्यूट्रिशन कैसे होता है, आइए जरा जानते हैं। उनकी ज़मीन फर्टाइल क्यों होती है, वहाँ की क्रॉप इतनी अच्छी क्यों होती हैं, जरा जानते हैं। बिकॉज फ्लड डिपॉजिट्स द लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स विच इज़ आइडियल फॉर कल्टिवेशन। कहने का मतलब ये हुआ, जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है कि जो अच्छी, जो फाइन सॉइल जो होती है, उसकी लेयर को जमा कर देती है, और जब जमा कर देगी एक जगह आकर, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कणों में मिट्टी के, और वही कण आगे जाके कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तुमने देखा होगा जो किसी भी जगह से, अगर मैं बात करूं किसी भी रिवर का, अगर एग्जांपल लूं, अगर मैं इंडस रिवर का लूं, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है, तो सिंधु नदी भी पांच नदियों से मिलकर बनती है, तो दो नदियों के गैप को, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, इस बात का जरा ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं गंगा यमुना के बीच के हिस्से की बात करूँ, एक तरफ से गंगा जा रही है, नीचे से यमुना जा रही है, दोनों के एरिया जो आ रहा है बीच में, वहाँ की ज़मीन अच्छी होगी, वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होगी, क्योंकि जिस एरिया से रिवर बह के जाती है, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, और वहीं पर ही अच्छी खासी खेती देखने के लिए मिलती है। ठीक, पार्ट एफ की तरफ मूव करते हैं। वेट क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टाइम इन अ ह्यूमिड डे। जब हमारी ज़्यादा उमस वाला दिन होता है, जब हमारी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो गीले कपड़े जो है वो सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। आइए जरा जानते हैं वो टाइम क्यों लेते हैं। नॉर्मल अगर देखी जाए, जब धूप निकलती है, जब खूब तेज धूप होती है, सनी डे होता है, तो वहाँ से वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट करने लगता है, और जब वाटर वेपर, जो पानी है जो ज़मीन में, वो कपड़े में जो पानी बना हुआ है, वो भाप की फॉर्म में उड़ के जाने की कोशिश करता है, एवेपोरेशन हो जाता है, वाटर वेपर में भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। अब यहाँ पे उल्टी बात कही जा रही है, यहाँ पे सूरज ही नहीं निकल रहा, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, उमस है, बारिश हो रही है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी जो क्लोथ्स में बचा होगा, उसको वेपर बनने का टाइम नहीं मिलेगा, इवेपोरेशन होने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पोर्स क्या मदद करते हैं, जब पोर्स जमीन, अगर मैं बात करूं सूरज, वो पोर्स में से पानी निकालने की कोशिश करता है, जब सूरज ही नहीं है तो पानी कौन निकालेगा, इवेपोरेशन कैसे होगा, आइए जरा इसका रीजन जानते हैं। बिकॉज द एयर हैज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, सो इट कैन नॉट अकोमोडेट द वाटर वेपर क्रिएटेड बाय द वेट क्लोथ। एयर जो उसमें बसी हुई होती है क्लोथ्स में, वो क्या होती है, उसको वाटर वेपर बनने का टाइम नहीं मिल पाता, जैसे मैंने बताया जगह ही नहीं मिल पाती, क्योंकि पानी भरा रहता है, तो जगह कहाँ से होगी। सो द वाटर रिमेन्स इन द क्लोथ्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसीलिए वो गीले रहते हैं और कपड़े में पानी बना का जैसे बना है वैसा ही रहता है, क्योंकि सूख ही नहीं पाते, एवेपोरेशन होने का प्रोसेस ही नहीं होता, धूप निकलेगी तब तो एवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को, हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। ये था वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सर रिवीजन का। जल्दी फटाफट इस वीडियो को देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, और एग्जाम की तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास।